गाइज गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज यस गाइज फाइनली गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है, जिसका वेट गाइज हर एक प्लेयर कर रहा था। पबजी वॉलेट का हर एक बंदा कर रहा था कि भाई बस ये चीज हो जाए, गेम अपना मस्त चलेगा। क्योंकि देखो गेम तो अपना एक्टिव हो ही चुका है गाइज, अपडेट्स, नए फीचर्स, नए इवेंट्स, ये सारी चीजें तो आ रही है। बस एक कमी थी, वो थी गाइज यहाँ पे हैकर्स बैन करने की। भाई साहब गेम के अंदर इतने सारे चीटर सारे थे, इतने सारे यूजर सारे थे, वही वाले फाइल यूजर्स, जिसकी वजह से गेम खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। बट गाइस कल के दिन से अगर आप लोग गेम खेलते हो तो आपको पहले के मुकाबले गाइस बहुत कम चीटर्स देखने को मिलेंगे। बहुत कम तो नहीं बोल रहा, बट हाँ गाइस धीरे धीरे करके कम हो रहा है। गाइस पबजी वॉलेट वालों ने आप जो है गाइस बैन करना स्टार्ट कर दिया चीटर्स को। अभी जो 2 MB का अपडेट आया था ना, उसके अंदर गाइस इन्होंने कुछ ऐसी सिक्योरिटी बढ़ाई थी, जिसके वजह से भाई साहब गेम के अंदर चीट्स या हैक्स लगाना गाइस थोड़ा सा मुश्किल हो गया। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था गाइस कि अपडेट आते रहेंगे PUBG Mobile के, तो जितने भी चीटर्स हैं ना ये भाई नहीं चीट कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा गाइस, देखो हर एक अपडेट का जो है हर अलग अलग फाइल बनाते हैं ये चीटर्स, फिर से उसके अंदर जो है मेहनत करते हैं चीट करने के लिए। ये लो भाई साहब लॉग इन कर लिया किसी ने मेरी आईडी, मेरे दोस्त ने। ओके कोई नहीं, अब देखो PUBG Mobile वाले जब अपडेट देंगे ना तो गाइस उनका जो है फिर से सीन हो जाता है, फिर से उनको नए चीट्स वगैरह जो है डालने पड़ते हैं गेम के अंदर। तो उसकी वजह से भाई साहब देखो हर कोई तो नहीं डाल पाता नए वर्जन के अंदर, इसकी वजह से गाइस चीटर्स कम हो गए। और 2 MB के अपडेट में गाइस PUBG Mobile वालों ने खुद कन्फर्म किया है कि उन्होंने कुछ ऐसी एंटी चीट सिक्योरिटी थोड़ी सी जो है हार्ड की है, जिसकी वजह से भाई कोई भी ऐरा गहरा बंदा जो है चीटिंग नहीं कर सकता गेम के अंदर। तो अगर आप लोग गाइस गेम खेलते हो अभी के टाइम पे, तो देखो पहले के मुकाबले में पहले क्या था भाई, हर एक मैच के अंदर जो है चीटर्स मिल ही रहे थे। भाई मैं तो हमेशा पिट रहा था भाई, हर एक मैच में कोई दूर से ही मार दे रहा है, कोई भाई साहब रेड डॉट से ही मार दे रहा है दूर से, कोई एक में चला के मार दे रहा है, किसी का स्प्रे इतना खतरनाक लग रहा है भाई कि 3-4 गोलियां मुश्किल से लग रही है और मैं फिनिश हो जा रहा हूं। बट गाइस अब वैसा नहीं है, अब थोड़े से चीटर्स कम आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ मैचेस अच्छे चले जाते हैं, कुछ मैचेस में तो चीटर्स आ ही रहे हैं, लेकिन गाइस एक सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है भाई, वो है लोडिंग प्रॉब्लम। यस गाइस लोडिंग प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सर्वर के ऊपर कुछ ज्यादा ही लोड पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा गाइस PUBG Mobile जब से एक्टिव हुई है, जो प्लेयर्स छोड़ के गए थे गेम को वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं, इससे गाइस सर्वर पे लोड पड़ रहा है। और गाइस ये सर्वर को ना शायद से सुधार नहीं रहे, अभी कुछ दिनों में अगर हम लोग गाइस इनको कमेंट करेंगे, इन पे प्रेशर डालेंगे, तो ये गाइस एक नया सर्वर इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम उसी वजह से हो रहा है जिससे कि गाइस PUBG Mobile पे लोडिंग ज्यादा पड़ रहा है, इस वजह से भाई सर्वर बार बार लोड लेता है। और गाइज हमारा गेम के अंदर भी भाई लोडिंग प्रॉब्लम आता है, बार बार लोडिंग लेने लगता है, पिंग भी सही रहती है, हमारा इंटरनेट भी सही रहता है, फिर भी लोडिंग प्रॉब्लम आता है। तो भाई इसका तो देखो सॉल्यूशन गाइज PUBG Mobile वालों को करना पड़ेगा, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो भाई एक बार सभी के सभी जो इनके इंस्टाग्राम पे जाना और गाइज कॉमेंट करना कि चीटर्स को बैन करने के साथ साथ भाई लोडिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दो। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि सॉल्व हो गई ना तो भाई देखो बल्ले बल्ले हैं PUBG Mobile के। बाकी तो देखो लाइट अपना वापस आ रहा है, गेम फिर से उसी वाले हिसाब से आ रहा है वापस, तो भाई मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। बस आप लोग एंजॉय करो गेम को और वीडियोस को लाइक करो, एंड यस गाइस कमेंट सेक्शन में जाके जो है ओपी या फिर नाइस लिख देना, बस लिख देना अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना नाम बुलवाना हो तो। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा एक दो वीडियो से, बट नेक्स्ट वीडियो में पक्का। ठीक है, बाकी यस गाइस मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक सबको बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।